दुखिया, अरे और दुखिया। आया मालकिन। मालकिन के बच्चे, मैंने कहा था ना कि बैग जी से काढ़ा ले आना, रात भर सर्दी के कारण सो नहीं पाया मेरा राजा बेटा। अरे गलती हो गई मालकिन, अभी आया। आहिस्ते 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 क्या करता है, और जल्दी से काढ़ा लेके जा, वरना राजा बाबू की मां तुझको नहीं छोड़ के तुझमें से काढ़ा निकालेगी। भाग, ये लीजिए पानी। दूधी जी मालकिन, राजा बाबू के बाहर जाने का वक्त हो गया, जल्दी से उसकी पटपटी साफ कर दे। अभी साफ किए देते हैं। राजा राजा बेटा अब उठो। चौधरी साहब, आपके लिए लेटर लाया हूँ। लो ये लीजिए। चौधरी साहब, ये आपका बेटा है। वकील है? नहीं। तो फिर डॉक्टर होगा? नहीं। समझ गया, पुलिस इंस्पेक्टर है। नहीं। तो फिर ये कौन है? इस गांव में नए आए हो? जी हाँ, मैंने कल ही ड्यूटी ज्वाइन की है। इसीलिए मेरे सपूत के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम? जी नहीं। वो कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी माँ का बेटा है। एमए किया है, माँ की ममता में, किसी कॉलेज से नहीं, पांचवी में 5 मरतबा फेल हुआ, इसीलिए मजबूर होकर स्कूल वालों ने स्कूल बंद कर दिया। चौधरी साहब, बस इससे ज्यादा कुछ पूछना है तो गांव के किसी भी आदमी से पूछ लेना। अच्छा। यहाँ पूछे अगर उसकी माँ ने सुन लिया तो जल्दी भी लकड़ी लेके पीछे दौड़ पड़ेगी। कौन है जी, किससे बातें कर रहे हैं आप? जी जी नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा। नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल, नहीं मैंने पूछा ही नहीं कुछ। अरे अजी, ये डाकिया मुझे देखकर भाग क्यों गया? अरे तुम इस हालत में देखिए, यमराज भाग जाएगा, वो बेचारा तो फिर भी डाकिया था। क्या? अच्छा ये लेके कहाँ जा रही हो तुम? अजी उस दीवार पे दीमक लगी है ना, उसी को निकालने जा रही थी। अच्छा, वो उस गरीब को मालूम नहीं था। वैसे आपके बेटे साहब उठ गए या अब तक? जब देखो तब मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हैं आप। वो बेचारा तो कब का जाग गया, नहाने भी गया है, बस तैयार होकर नीचे ही आता होगा। जब वो नीचे आएगा उसके बाद हमें खाने को मिलेगा। कमाल करते हैं आप, आपको खाने की पड़ी है, यहाँ मेरे बेटे ने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया। कहाँ से करेगा नाश्ता, 1 बजे तो सो के उठता है, 1 बजे फिर नाश्ता नहीं होता, दोपहर का खाना होता है। रहने दीजिए, जब देखो तब ताने ही देते रहते हैं। तो क्या दें, खाना तो मिलता नहीं है। उठ गए? उठ गया बाबा। वाह, क्या कपड़े पहने, इसमें तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे हो। शुक्रिया बाबा। बस कीजिए जी, नजर लगाएंगे क्या मेरे बच्चे को? चल बेटे तू खाना खा। वाह जरा बाबा। ये ले। सुनो, मैं भी खाऊं? हाँ आप खाइए। अच्छा खाइए। ये नौकर लोग ठीक से काम नहीं करते, आज इन सब की खबर लेती हूँ। तूने क्यों ठूका? माँ ने कहा था। क्यों जी? तुमने इसको ठूकने को क्यों कहा? कंकर आया था इसलिए। तो क्या ऐसे कंकर वाला खाना देती अपने बेटे को? बताओ, कंकर मेरे मुंह में आया था, ठूका इसको दिया। अच्छा बाबा जी, मैं चलता हूँ। जाओ। तो मैं चलूं? हाँ जाओ बाबा। ठीक है तो मैं चलता हूँ। अरे तो जाना जाता क्यों नहीं? अजी जाएगा कैसे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है बेचारे के। चलिए इसे पैसे दे दीजिए। पैसे? हाँ। आज के बाद मैं उसको एक नया पैसा नहीं देने वाला। हफ्ते में 4 बार जब तक मेरे बच्चे का दिल ना दुखा लो तुम्हें चैन नहीं पड़ता। तुम भी मुझी को कहती रहो, ये चाय पीना मकसद गांव भर में घूमता रहे, आवारा गर्दी करता रहे, अय्याशी करता रहे। अजी कौन सी अय्याशी करता है ये, है दारू पी के आता है, लड़कियों को छेड़ता है, बेचारा गरीब गाय की तरह सर झुका के जाता है, सर झुका के आता है। क्या गाय? और आपकी इतनी बड़ी जायदाद की ये किसके काम आएगी? मेरा एक माँ, मेरी टोपी। अरे क्यों अपने बेहुदा प्यार से इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अरे देखो उसका कद निकल आया है, ये अपनी जिम्मेदारी का बोझ कब उठाएगा? बस इसकी शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। इससे कौन करेगा शादी? मैं कहती हूँ इसे पैसे दे दीजिए, बहुत हो चुका। मेरे पास पैसे नहीं, मैं अपनी तिजोरी की चाबी पता नहीं कहाँ घुमा के। अगर अरे क्या कर, चाबी घूम गई तो फिर ये क्या है? और फिर जब इसे ही देने के लिए पैसे रखे थे तो इसे दिए क्यों नहीं? इतने सारे छोड़ो,
ये ठीक है ना? चला लूंगा मैं, चलो। अरे अरे बेटा, धूप कितनी है, चश्मा तो पहन जल्दी। और सुन, धूप में ज्यादा मत घूमना बेटा, लू लग जाएगी। माँ जी, मेरे होते हुए राजा बाबू को लू कैसे लग सकती है? मैं इस छाते से राजा बाबू को धूप से भी बचाता हूँ और बुरी नजरों वालों की नजर से भी। माँ जी क्या रे नंदू, सुना कल तूने मुखिया के कुत्ते को काट लिया था? पहले कुत्ते ने मेरे को काटा था, इसलिए मैंने उसे काट लिया। झगड़े के अंदर मैं हिसाब बराबर रखता हूँ। अच्छा अच्छा, ले पकड़, इसमें मौसम्बी का रस है, गाजर का हलवा है और ताजे सेब है। हर आधे घंटे बाद मेरे राजा को खिलाते पिलाते रहना। जी मालकिन, हर आधे घंटे के बाद मैं इनको खिलाता रहूंगा। हाँ। ऊंट की तरह खड़ा क्यों है, बैठ जाना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, और फिर मुझे मालकिन की चपले खानी है क्या जो मैं इनके बराबर में बैठू? क्या हुआ बेटा? माँ, मेरा लॉकेट अंदर अटक गया है। अरे लॉकेट ये ले। हाँ, अब ठीक है। माँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बेटा। अब तू जा, नहीं तो मेरी नजर लग जाएगी। चल जा। अबे छतरी हटा, छतरी हटा नंदू, छतरी हटा, मुझे दिखे। हाँ आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत कीजिए, मुझे थोड़ी सी और मोहलत दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी लाला जी। नमस्ते राजा बाबू। क्या हो रहा है सब? 6 महीने पहले 10,000 रुपए लेके गए थे, अब देने का नाम ही नहीं लेते राजा बाबू। इस गांव में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? हाँ वो तो है राजा बाबू। इस गांव का चौधरी क्या इकलौते बेटे है कि नहीं? इसमें क्या शक है राजा बाबू। तो फिर किसी भी गरीब को बेघर करने से पहले तुमने हमारी इजाजत क्यों नहीं ली? वो क्या है? राजा बाबू का मतलब मालूम है तेरे को? अगर इनको गुस्सा आ गया तो क्या से क्या हो जाएगा मालूम है तेरे को? चाहे जिस तरह से तुमने ये बर्तन घर से बाहर फेंके हैं, उसी तरह शराबत से बर्तन घर के अंदर रख। चला के नहीं, चलो रखो उठा के, चलो। लेकिन मेरे 10,000 रुपए हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। जाओ जाकर हमारे बाबूजी से 10,000 रुपए ले लो, जाओ। चुप चुप क्यों राजा? चलो उठाओ, चलो जल्दी रखो। सुहाना सफर और मेरे खर्चा, मेरे खर्चा राजा बाबू। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ओहो हो, ओहो हो, ओहो। आ रहा चुपे। ए इधर आ, ये सामने क्या लिखा है? हर हर महादेव। राजा बाबू आप नमस्ते। क्या नमस्ते राजा बाबू? इस निमा को इस गांव में रखना कि नहीं? अरे कभी कभी अमिताभ बच्चन के पिक्चर भी लगाया करो, तुम्हें पता नहीं हमारे राजा बाबू अमिताभ बच्चन की पिक्चर से कितने खुश होते हैं। उसकी पिक्चर मालिक 25,000 में मिलती है, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं? अरे तुमको लाने का कौन बोल रहा है? हमारे राजा बाबू को पैसे की कोई कमी है क्या? जाओ जाकर हमारे बाबू जी से पैसे ले लो। आज रात को हम अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखेंगे। ये काले काले ऐसे क्यों बेकार में परेशान हो रहे हैं? सो जाइए ना, सुबह बात। तुम चुपचाप बैठी रहो, मेरा सर फिराओ, मैं जब तक उसे निपट नहीं लूंगा मुझे नींद नहीं आएगी। इतना नाराज क्यों हो रहे हो? क्या किया मेरे लाडले? क्या किया है? मेरा मतलब है, एक गरीब औरत घर से निकाली जा रही थी, उसे भेज दिया 10,000 रुपए लेने के लिए, बस इतना ही ना? और क्या? और वो जो सिनेमा वाले को यहाँ भेज दिया 25,000 रुपए लेने के लिए, वो अमिताभ बच्चन का शो देखने तो शहर चला जाता। 25,000 रुपए में शो क्यों देखा उसने? अजी
मैं आ गया बेटा, तुम आ तो गए हो। मार डाले को, मार अमिताभ बच्चन, मार। आप आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। लो कश की चुक कश। राजा बाबू के सामने से हट। समझते नहीं है यार। आप कुर्सी पे पाँव रखिए। हाँ रखिए। छोड़ छोड़, क्या कर रहे हैं? अरे राजा बाबू, आपने 25,000 रुपया खर्चा करके शो खरीदा है, आप कुर्सी पर तो क्या पर्दे पर भी पाँव रख सकते हैं। उधर बैठ। आगे देख। क्या दे रहा है? हाँ, तेरी माँ मर गई क्या? नहीं, फिर ताली क्यों नहीं बजाता? देखता नहीं कि राजा बाबू को मजा आ रहा है? चल ताली बजा, बजा। ये अमिताभ बच्चन की तरह आपका कांधा टेढ़ा क्यों हो गया है? सीधा कर लीजिए। जी 12 बजने को आ गए, अब तो सो जाइए। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन मुझे तो आ रही है ना। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? जाके सो जा। कैसे सो जाऊं? मैं नहीं होंगी तो पता नहीं क्या करोगे आप। वो मेरा भी बेटा है, गला घोंट के मार नहीं दूंगा उसको मैं। जानती हूँ, लेकिन बाप बाप होता है और माँ माँ। मैं आ गया। अच्छा, वो तो आ गए। बहुत कम वक्त बचा है बेटा। नहीं माँ, मैं तुझे कोई सुख नहीं दे सकी। कैसी बातें करती हो? सारी जिंदगी मेरे लिए दुख उठाया तुमने, तूने सब कुछ मेरे लिए तो किया ना? नहीं, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत देखना चाहती हूँ, हिम्मत। राजा बाबू मत रोइए। ले लो। नंदू, ये मुझे एक बार फिर से दिखाने के लिए बोल। थोड़ा पीछे ले और दोबारा शुरू कर। अरे ये क्या घड़ी घड़ी लगा रखा है? कौन बोला? कौन बोला? ए, तू बंद कर, तू लाइट चालू कर। कौन? सालो, पोकर में पिक्चर देखते हो? मालूम है इस फिल्म के लिए हमारे राजा बाबू के 25,000 रुपया खर्चा हो गए। माफ करना नंदू सेठ, माफ कर दिया। समझता नहीं है तू यार। ए, लाइट बंद कर, फिल्म चालू कर।